तो जी राम राम, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त रोहित लांबा और जी उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। अभी भाई मेरे साथ आप भरा पूरा प्रेम देख रहे हो, मेरे साथ इस तरफ हैं कुलदीप भाई, अंकित भाई, भूपी भाई मेरे साथ यहाँ पे हैं, मेघा जी साथ में हैं और सोमवीर भाई, कुलदीप आपका नाम कुलदीप है, ट्रिपल के दोनों कुलदीप, हाँ जी डबल कुलदीप, ये अंकित है, ये कुलदीप और ये भी कुलदीप है, ट्रिपल के है, इसका ट्रिपल के नाम से फेमस है, ट्रिपल के भाई के नाम भाई अजीब अजीब हैं सबके, बाकी ट्रिपल के होया गणेश इसका और के होता ना फिर बात बनती, सही का ट्रिपल के होता तो तीनों के हो जाते के फिर बनता ट्रिपल के, लेकिन भाई तीनों एक लाइक घूमना रहा तीन के लिए की यार, एक लाख भूपी भाई स्वागत है हमारे चैनल पर, धन्यवाद, लोगों को धन्यवाद बोलो, मेरे को धन्यवाद बोलो, मैं 300 किलोमीटर से आया हूँ। तो भूपी भाई ये गाना शूट कर रहे हैं भाई बड़ा ज़बरदस्त, उस गाने के बारे में हम बात करेंगे, मेघा चौधरी जी इसमें लीड कर रही हैं और साथ में भाई हैं कुलदीप भाई इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। पूछ लेते हैं कौन सा गाना कब आएगा और ये ग्रैंड तारा होटल में हो रहा है, निमराना के पास ही होटल पड़ता है भाई हाईवे के ऊपर, आप ज़रूर आएँ एक बार। ये भाई जो ग्रैंड तारा आपने बोला है ये राहुल भाई है, ठीक है, दुगेड़ा से जी, ये भाई सबको सपोर्ट करते हैं, जो भी आई साइड गाना करने आते हैं उनको हमेशा मतलब सपोर्ट के लिए तैयार रहते हैं, एक फ़ोन करने की जरूरत होती है। पहले दिलेर भाई का जो गाना हुआ लो चमन 2-3 वो यहीं पे हुए थे, अंजलि मैडम का और दिलेर भाई का जी, हाँ। तो यहाँ पे जो भी मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो भी भाई आना चाहे शूटिंग करना चाहे तो राहुल भाई के नंबर में डाल दूंगा जी, ठीक है, तो कॉन्टेक्ट जरूर करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है भाई, आप जाओ और देखो राहुल भाई से बात कर लो, अगर आसपास के हो राजस्थान के यहाँ के तो आप जरूर एक बार सेवा का मौका लो। मेघा मैम स्वागत है हमारे चैनल पर, थैंक यू रोहित जी, कैसे हो मेघा जी? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हो? बढ़िया बढ़िया मेघा जी, पहला गाना शायद आप कर रही है मेघा? हाँ जी, मेरा ये पहला सॉन्ग है। भूपी जी ने नया लॉन्च कर दिया, नए मॉडल का भूपी भाई, बिल्कुल नई मॉडल देखो, बिल्कुल बहुत अच्छा काम करते हैं ये। आज मैंने इनकी एक चीज देखी, मतलब 30-40 बंदों का क्राउड था और मैं खुद घबराया हुआ था कि कैसे क्या करेगी, यकीन नहीं था, अच्छी अच्छी मॉडल देखी, इतना क्राउड देख के मतलब घबरा जाती है, जब 1% भी इनके चेहरे पे कोई नर्वस टाइप कोई चीज नहीं थी, पहला टेक बहुत अच्छा दिया है ना, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि बहुत चलेंगी इस लाइन में। तो ट्रिपल के भाई इस तरफ है हमारे साथ, भाई साहब गाने के बारे में बताओ पहले। तो सबसे पहले राम राम रोहित भाई और सभी दर्शकों को राम राम, आपके जितने दर्शक हैं जितने सब्सक्राइबर हैं और आप बहुत अच्छा इंटरव्यू कर रहे हैं आजकल सभी भाई। तो गाने एक भाईचारे के ऊपर है जो हमारा हरियाणा, जिसको लोग मतलब एक पहले बैकवर्ड्स होते थे, लेकिन आज ये हरियाणा बहुत ऊपर जा चुका है और इसकी इंडस्ट्री भी ऊपर जा रही है और धीरे धीरे उसी का एक मतलब दर्शाने की कोशिश किया है कि हमारे जो बूढ़े बड़े हैं हमारी संस्कृति है वो कैसे मतलब अपना रोल निभा रही है इस जी। सबसे पहले तो और उसमें हमने अपने सारे भाइयों ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी सभी भाइयों ने बहुत अच्छा रोल किया है, मेघा मैम ने, कुलदीप भाई ने, अंकित भाई ने, सभी ने, और आपकी दया से शायद गाना बहुत ऊपर जाए। भाई सपोर्ट करना है, गाना ब्रांड हरियाणा नाम से आएगा, शायद ब्रांड हरियाणा नाम से भाई लॉन्च होगा बहुत जल्दी, जैसे ही आता है मैं कम्युनिटी में लिंक डालूंगा और आप लोगों ने सपोर्ट करना है, शेयर करना है गाना और जल्दी ही इसकी डेट आउट हो जाएगी, कंपनी कौन सी से आएगा वो भी पता चल जाएगा। कुलदीप भाई कैसा लग रहा है शूट करके, मतलब बताओ? बहुत बढ़िया, कशुत्ता मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है यार, फायर सिस्टम बहुत सनी हो हरियाणवी बोल गया भाई, यो तो मजा आया हरियाणवी गाने शूट करने का, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा भाई। देख एक चीज देख रहे भाई, पूरे तीन मतलब स्टेटा के लोग काम कर रहे हैं, यूपी से, ठीक है, और राजस्थान से, हरियाणा से, और ये तो दिल्ली में रहने लगे हैं एनसीआर में, है ना, चार चार स्टेट इकट्ठे हो रहे हैं, जब भी तो भाई हरियाणा की इंडस्ट्री पर जा रही है यार, इतने इतने लोग मिलकर काम कर रहे हैं एक चीज को उठाने के लिए, तो फिर गाना तो ऊंचा जाना ही जाना है। अंकित भाई आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ये समझ लो कि सारा ने मिलकर फिल्टर से पाड़ने हैं, बोले जा रहे मेघा मैम आपको पहला गाना कर रहे हैं हरियाणा में, कैसा लग रहा है लोगों के साथ काम करके, मतलब कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं? मेरा ये पहला सॉन्ग है हरियाणा में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं थोड़ी नर्वस थी बट यहाँ के मैंने अपने कलीग्स वगैरह देखे, इनके साथ काम किया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब एकदम फैमिली की तरह। मैंने इंस्टाग्राम पे दिलेर रॉकस्टार को फॉलो किया था, उनके जो ब्रदर है, कज़न ब्रदर है, आई डोंट नो कौन है वो, बट ब्रदर ही है रिलेशन में, तो मैंने उनको भी मैसेज किया था, उनके थ्रू मैंने बात की है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, मैंने कहा मुझे भी मतलब किस लाइन में आना है, तो मैं उनसे घरवाले सपोर्ट करते हैं इस काम के लिए, मैंने उनसे बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं भी क्यों ना मॉडलिंग लाइन में आ जाऊं, और फर्स्ट गाना मैं अपना हरियाणा में ही करूं क्योंकि मुझे हरियाणा लैंग्वेज भी बहुत अच्छी लगती है। तो भूपी भाई आप बताओ इस गाने के बारे में, आपने मतलब क्या लगा जो ब्रांड हरियाणा गाना है? भाई वो गाना पे बहुत मेहनत करी है जी, ठीक है,
मतलब इतनी मेहनत करी है, सारा भैया नहीं मिल गया, कोई नू नहीं भाई बड़ा घर ते ही, कोई नू नहीं भाई ऊंची फैमिली ते ही, ठीक है, छोटे छोटे घर आते, सब छोटे गरीब गरीब परिवार आते सारे, एक एक रुपया इकट्ठा करके भैया ने मेहनत करी है। मैं कहूँ भाई गाना फुल जोर लगा रखा है और मेरा विश्वास है कि गाना चल लगा, ठीक है, आपने सपोर्ट करनी है भाई, बिल्कुल ठीक है। और गुलशन बाबा ने जो गाना गाया है, जिसका गाना आया था जब आई त्रिया जाट रोया सारी रात, ठीक है, बहुत अच्छा सिंगर है भाई, भाई ने मदद की भाई सब, ठीक है, बाकी अपने बड़े भाई राहुल ने मदद की सारी और अच्छा गाना चलेगा ये मेरी मतलब दिल से आत्मा से निकली हुई बात है। तो भाई कंपनी फाइनल होगी, कौन सी कंपनी चाहेगा? नहीं होगी अभी, नहीं अभी नहीं होगी भाई, हो जाएगी आपको बताओ, कंपनी फाइनल होती है भाई आपको जरूर हम इन्फॉर्म करेंगे जी। उसके बाद भाई मैं कम्युनिटी में लिंक डाल दूंगा, आप लोगों ने शेयर करना है गाना, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तभी ये लोग आगे बढ़ पाएंगे भाई, दूसरा गाना कर पाएंगे, क्योंकि मोटिवेशन मिलेगा इन लोगों को जब आप देखोगे व्यूज जब होंगे तभी भाई इनको अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ भाई मेरा गाना इतने लोगों तक पहुंचाई तो उन्होंने सुना, तभी भाई आगे दोबारा से काम कर पाएंगे। चाहती हूँ कि दिलेर रॉकस्टार अपने सॉन्ग में मुझे कब ले, मैं मतलब वैसा बनना चाहती हूँ, बिल्कुल। अरे दिलेर सर तुम्हारे वीडियो देखते हैं भाई, बिल्कुल दिलेर सर वेट में बैठे हैं आप, मेगा जी आपके साथ गाना करना चाहती हैं तो जरूर, ठीक। आप क्या कहना चाहते कुलदीप भाई, एक बात आपकी रखी थी। हाँ मैं ये कह रहा था कि वैसे तो है ना ये मेरा तीसरा शूट है, पहले भी एक सॉन्ग किया था, एक शॉर्ट मूवी की थी अभी रिलीज नहीं हुई है, और आज ये तीसरा शूट है वैसे, लेकिन आज है ना सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई, उसकी वजह यो है कि भाई मैं यूट्यूब पर आपकी वीडियो बहुत देखता था, आपने लोगों के इंटरव्यू लेते थे जैसे बदनाम शायर के लिए कई वीडियो, लेकिन पता नहीं था कि कभी आप मेरी भी इंटरव्यू लगे और आज वो दिन आ गया भाई, विश्वास नहीं हो रहा भाई, आज मतलब मजा आ गया फैन फॉलोइंग था दी है, प्यार है भूपी भाई लोगों का बस, फैन फॉलोइंग तो की है। मैं तो बाहर को आते पहचान गया था, पहले कभी देखा नहीं था, वहाँ खड़े थे ना देखते मगर रोहित आते पहचान गया था मैं तो भाई। ये तो भाई प्यार है आप लोगों का, लेकिन भाई भाइयों के गाने को प्यार जरूर देना भाई, मेरे लिए आप इतना सब कर ही सकते हो। मैडम मैंने भी जब मैं दिलेर रॉकस्टार के सॉन्ग सुनती थी तो उसमें स्क्रॉल करते करते आपके इंटरव्यूज़ आए, तो मैंने हल्की सी वीडियो देखी तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, तो मुझे भी मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि सपना बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी, आप मतलब इतनी अच्छी सोच है आपकी सच में, लिटरली ये बहुत यही सोच होनी चाहिए और अपने बच्चे पे विश्वास होना चाहिए, मेहनत करके आगे जाओ, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। आंटी जी को इतना विश्वास है, इन्होंने पता क्या बोला आते के साथ, बोला अगर बेटा मैं यहाँ रूम में रह लूंगी आप वहाँ जाके ना इनका सूट करवा लो, मेरे बेटे का सूट खराब नहीं होना चाहिए, मतलब इतना विश्वास है इनको अपने बेटे के ऊपर। केयर भाई मेरे गुरु जी हैं भाई, तो मैं वैसे बोल देता हूँ मेरे गुरु है वो, ठीक है, तो उन्होंने एक चीज सिखाई थी मेरे को कि इस लाइन में ना बुप्पी भाई कोई भी उठ के आए ना तो उसकी मदद करो, उसको काटो ना कभी भी, सही बात है, ठीक है, तो मैं वही कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि कोई भी गरीब तजवे का लड़का लड़की कोई भी हो, किसी को गाना करना हो, पैसे भी ना हो ना, तो भाई से मेरे नंबर डाल देना, मैं गाना करवाऊंगा उसका। मेरा आप सभी से है भाई टास्क है, एक टास्क पूछते हैं हम, तो टास्क है मैडम आप भी ध्यान देना, आंटी जी आप भी ध्यान देना कच्चा बादाम वायरल गाने से कच्चा बादाम कितना कच्चा है? ऑप्शन ए कच्ची कैरी जितना कच्चा, ऑप्शन बी जब एक औरत प्रेगनेंट होती है उस वक्त उसका जितना मन कच्चा होता है उतना कच्चा, या ऑप्शन सी अंजलि अरोड़ा जी का वीडियो देख के जितने लोगों का मन कच्चा हुआ उतना कच्चा, या फिर डी डी तो पूछने दो यार, या फिर मुझे नहीं पता मैंने कभी कच्चे बादाम खाए नहीं कभी कच्चे बादाम खाए नहीं इनका तो पक्का सी पाओगा सी भाई सी भाई मैंने ना खाया कच्चा बादाम अच्छा तो अंजलि अरोड़ा की वीडियो तो देखी होगी देखिए जब भी मना ही करूंगा मैं तो घर का लड़ेगा अंकित भाई अपना इसी को लॉक कर दिया जाए देखिए आज जब मुझे 25 मिलियन भी भरे ने इन जैसे भाईन कर रहा कि मिल की अपना भाई सी है भाई सी है मैडम आपने फिर सी आप तो कैसे सी बोलोगे अंडी आपने क्या बोलूं मैं कच्चे बादाम खाए हैं कच्चे बादाम खाए तो हम तो उसको ही बताए झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं वायरल हुआ सबको पता है भाई वो डांस देख के तो आता ये सारे देख रहे हैं बुपी भाई ये देख रहे हैं भाई मैं नहीं देख रहा इन पर गए 2.5 करोड़ लोग जिन्होंने वीडियो देखा जब इन ना पोसा ये लोग कब में सपोर्ट करना गाने को आप लोग जितना सपोर्ट करोगे
हमारे अंदर उतना ही मोटिवेशन आएगा, तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। आपका रिकमेंड सबसे पहले भाई ब्रांड हरियाणा को आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करना है, रोहित भाई को भी सपोर्ट करो, रोहित भाई बहुत दूर दूर से सभी के इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं और सभी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कहोगे कुलदीप भाई? भाई मैं ये कहना चाहूँ सभी दर्शकों को कि हमारे हरियाणवी ब्रांड सॉन्ग को सपोर्ट करो और रोहित लांबा जी की हर वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इनके चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। इतने बंदा मेरे बारे में बोल दिया यार, ये तो तम कर दो यार, बेशर्म हो रहे हो तम भी यार, इतना इतना लोग। ग्रैंड तारा होटल का ओनर, ठीक है, मैं जितना मतलब मैं घर पे था लेकिन ये सारी व्यवस्था जो की ने मेरे भाई ने की। प्यार दे रहे हो, ऐसे ही प्यार देते रहो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का वीडियो देख।